हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। सो आई होप 10th क्लास तो आपने पास कर ही लिया होगा और वो भी विदाउट एनी एग्जाम्स। आप 11th क्लास में जाने वाले हो पर स्ट्रीम को लेके कंफ्यूज हो कि यार कौन सी स्ट्रीम पिक करें, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में एक क्लियरिटी जरूर रहेगी कि हमें कौन सी स्ट्रीम के साथ जाना है। और वो स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं भी जाना चाहते, तुम लोग भी यार एक वीडियो तो देख ही सकते हो, नॉलेज मिल रहा है तो फ्री में लेते जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वन बाय वन तीनों स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि कोर सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, फिर देखेंगे कि हर एक के बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं, और इन द एंड तीनों का एक ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पे कौन हो सकता है, सेकंड पे कौन हो सकता है और थर्ड पे कौन हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरी देख लेना, ठीक है, और अगर टाइम की कमी हो तो 2x पे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस के अंदर भी आपको दो सब स्ट्रीम मिलेगी, फर्स्ट वन इज मेडिकल, सेकंड वन इज नॉन मेडिकल। अब अगर आप नॉन मेडिकल के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको तीन कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और वहीं आप अगर मेडिकल के साथ जाते हैं तो मैथमेटिक्स के बजाय आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो ये तो कोर सब्जेक्ट्स हो गए। अब वहीं अगर मैं कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे नंबर वन प्लस पॉइंट तो यही रहता है कि जो साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटेक के लिए भी एलिजिबल होते हैं और बीसीए के लिए भी एलिजिबल होते हैं जस्ट आफ्टर देयर 12th, ओके। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, नंबर वन। सेकंड एडवांटेज ये रहता है कि जो साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कई सारी एमएनसीज या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं ना, उनके दरवाजे हमेशा खुला रहता है। मतलब ये कि जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को प्रीफर करती हैं इन 12th, फ्रॉम 12th आई मीन टू से। और वहीं थर्ड बेनिफिट इसका ये रहता है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसी हैं जो इसमें 12th में साइंस मैथ मांगा जाता है, ओके। हालांकि मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, रोड मैप वीडियोस बेसिकली, जिसमें बीटेक रोड मैप वीडियो, बीसीए रोड मैप वीडियो, उनमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हर एक डिग्री के अंदर क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, मतलब किस टाइप के एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, और जस्ट आफ्टर योर डिग्री और ग्रेजुएशन आप किन किन एमएनसीज में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, ओके। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। कॉमर्स जो है ना वो कम्प्लीटली बिजनेस ओरिएंटेड स्ट्रीम है। यहाँ पर आप बिजनेस एंड ट्रेड की अलग अलग एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, लाइक एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड कस्टमर, राइट। अब यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ एक हैं लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कॉमर्स के साथ जाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फ्यूचर में जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर्स पर आपको काम करना पड़ सकता है, या फिर कई सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेल्स रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी पड़ती है, या फिर कंप्लीटली अकाउंटिंग बेस्ड सिस्टम्स या फिर सॉफ्टवेयर्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे, थोड़ा बहुत सर्च करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स इन इंडिया, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली बिजनेस ओरिएंटेड हैं, अकाउंटिंग ओरिएंटेड आई मीन टू से। तो आपको कॉमर्स का नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, राइट। और इवन कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बीसीए एंड एमसीए में भी अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, इवन मैंने खुद पढ़ रखा है अपने एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अकाउंट्स को। आर्ट्स में आपको किसी भी टाइप के टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ डील नहीं करना, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ओके। यहाँ पे जो कम्प्लीटली फोकस रहता है वो रहता है क्रिएटिविटी पर एंड इवन लिटरेचर सब्जेक्ट्स पे, या फिर कहूँ तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, ओके। तो जो स्टूडेंट्स वो होते हैं ना जिनका गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट होता है, लाइक एसएससी, सीजीएल या एसएससी सीजीएल आई मीन से, या फिर यूपीएससी वगैरह, उनके लिए आर्ट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आपको स्टार्टिंग से पढ़ने को मिलेगा। और उसके अलावा जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जिनका इंटरेस्ट डांसिंग, म्यूजिक या फिर होम साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होता है, वो लोग भी आर्ट्स के साथ जा सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि आर्ट्स के अंदर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करना होता है, ठीक है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप 11th एंड 12th क्लास में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, फंडामेंटल जो होते हैं वो आप 11th एंड 12th में पढ़ लेंगे। हालांकि ये जो फंडामेंटल है प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल, ये आपको बीसीए या फिर बीएससी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। और जो ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो नॉट इवन आप आर्ट्स में ले सकते हैं, आप चाहें तो कॉमर्स के साथ भी इसको ले सकते हैं। अब अगर बेनिफिट वाइज या फिर प्लस पॉइंट वाइज इनका एक ऑर्डर डिसाइड करें, ठीक है, तो नो डाउट साइंस विल बी द फर्स्ट, कॉमर्स विल बी द सेकंड एंड आर्ट्स विल बी द थर्ड, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हर एक स्टूडेंट साइंस के पीछे जाए, यार जरूरी नहीं है कि वो जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे आप पढ़ोगे वो आप इजीली पढ़ पाओ,
हो सकता है ना, हर एक स्टूडेंट का माइंड सेट, हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो शायद आप ना पढ़ पाओ, तो आप साइंस सॉरी कॉमर्स या फिर आर्ट्स के साथ भी जा सकते हो। अगर आपका एंड टारगेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप कौन सी स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, ठीक है। आप इन तीनों में से किसी को भी पिक कीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं इन तीनों के साथ भी और इन तीनों के बिना भी, ठीक है, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर नो डाउट मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलो फिर इस वीडियो को तब यहीं एंड करें, ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं है। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर डिटेल में मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जो सब्सक्राइबर का ग्राफ है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसका यार एक अलग ही मोटिवेशन है, राइट। तो चलो फिर सी यू, बाय बाय।